इसको भी ठोके देखो किसको तो ये वाले जो है ना टेक्निक आप पत्नी अभी यूज कर सकती है अपने पति के साथ। हे गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माय चैनल, मेरा नाम है दीपक, मैं बढ़िया, आप लोग भी बढ़िया होंगे। तो कल का बताता हूँ, यस्टरडे आई वाज इन ऑफिस तो मेरे को एक कॉल आता है और दीप्ति पूछती है आपकी शॉर्ट का साइज क्या है, तो मैंने इसको बताया 32। तो ये अकेले शॉपिंग करने चली गई, वहाँ से जान पूछ के इंटेंशनली ये शॉर्ट ले गई 30 साइज की। ऐसा ही हुआ ना भाई, तो दोबारा कैसे जाते हैं? हाँ, और फिर मैं समझ गया था क्योंकि मैंने घर पे आके चेक किया तो निकली 30 और मैंने इसको बोला था 32। तो भाई मैंने इसको बोला कि भाई तू 30 क्यों लेके आई, तो पहले इसने एक गंदी सी स्माइल दी जो अभी दे रही है। एक्चुअली हुआ क्या राम, मैं चाह रही थी राखी के साथ, तो मम्मी बोली मैं भी चलूँगी कमलानगर, साथ में मम्मी चली गई। अब मम्मी हो गई, पापा हो गए, बच्चे हो गए, तो मैं अपने कपड़े चूज़ नहीं कर पाई, बच्चों को तो मैं पहले ला चुकी थी, फिर मैंने बोला छोटा ले जाती, तो इस बहाने तो पक्का कमलानगर वापस दोबारा चेंज कराने के लिए आएगा। अगर इसे मैं वैसे बोलती ना तो बोलते यार कमलानगर बहुत ज़्यादा दूर है, इधर चल ले, इस वाले मॉल चल ले, घर के बाजू में चल लेते हैं। तो ये वाले जो है ना टेक्निक आप पत्नी अभी यूज़ कर सकती है अपने पति के साथ। इससे बेटर तो यही रहता कि आज हम लोग चले जाते, जो कल का हमारा टाइम वेस्ट, मतलब हमारी जो इसका टाइम वेस्ट हुआ है तो वो तो नहीं होता कम से कम। एनी हाउ पत्नी है भाई, बात तो माननी पड़ेगी, तो बात ये नहीं है क्योंकि मेरे को अपनी शॉर्ट चेंज करानी है, 32 की लेके आऊँगा। और अभी हम जा रहे हैं कमला नगर, बच्चे अंदर देख रहे हैं टीवी और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, तो मिलते हैं थोड़ी देर में कमला नगर पहुँच के। क्या चाहिए आपको? चावल। फिर चावल खा के सो जाना, ठीक है? तो आपने आप हमारे ही आना किंडर जॉय। अच्छा, अभी आपने चावल नहीं खाए ना, थोड़ी देर बाद खाना दूध के, ठीक है? मेरे लिए भी किंडर जॉय। ओके ठीक है, मैं आपके लिए भी किंडर जॉय ले आती हूँ। हाँ, हमारे कपड़े धुल गए हैं। हाँ, किंडर जॉय नहीं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना, कपड़े धुल चुके हैं, कपड़े सुखा देगी मम्मी। ये थोड़े से कपड़े बचे हैं, ये डाल देते हैं मशीन के अंदर। इधर डाल दियो कपड़े बेटा, डाल दे जल्दी कपड़े, डाल दे उठा के। ये विधांश कर ले, थोड़ा सा तो काम कर लिया कर। अच्छा बच्चा है ये मम्मी का, चलो वो वाला भी डाल दो, वो रहा एक। अच्छा पकड़ना इसको, पकड़ना। हाँ कुछ विदांश कह रहा है बस करो सर, पूरे महीने का खत्म करोगे क्या? वो घुमा 30 हाँ बस बस बस। हाँ हाँ, इसका साथ वाला, अरे ये वाला। हाँ, फिर बंद करेगा फिर टीवी तू? 2 बजे। 2 तो बजने वाले हैं। तो फिर 4 बजे। 4 बजे कर देगा ना? प्रॉमिस। गुड बॉय। तो इस सांभर के साथ खाने हैं चावल, ठीक है? इसका सांभर दे दो यहीं पर ही। सूखे सूखे नहीं खाते बेटा, गंदे बीमार हो जाते हैं, दाल के साथ खाते हैं चावल। एक्चुअली ना मैं मेरे रोहिणी वाले मैक्स में गई थी, तो मुझे वहाँ पर ना वैरायटी ऑफ क्लोथ्स थोड़ी कम नज़र आई कंपैरेटिवली जो कमला नगर वाला मैक्स है, उसमें काफ़ी कपड़े हैं, मतलब काफ़ी वैरायटी आपको देखने को मिलेगी। तो कल मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई और मैं ले नहीं पाई, क्योंकि ना चेंजिंग रूम में जाके बार बार ट्राई करना और बच्चे इधर उधर भाग रहे थे और पूरे मैक्स में ना ऐसे भाग रहे थे, टकरे मार रहे थे लोगों को, कपड़े गिरा रहे थे। तो मम्मी को मैंने जाने से पहले ही बोला था कि मम्मी अगर हमें चलना है ना तो मैं, पापा और आप चल लेते हैं, तो बोली नहीं नहीं बच्चे घूमाएंगे, बच्चों के मारे तो मैं जा रही हूँ। तो मैंने कहा चलो भाई। फिर कल लास्ट में मम्मी ने बोल दिया कि गुड़िया अगर तुझे सामान खरीदना है तो बच्चे मत लाया कर, और जब बच्चे लेके आए तो सामान मत खरीदा कर। और मतलब मम्मी को इतना दुखी कर मारा कि मम्मी आखिरी में बिल्कुल लास्ट में ना मैक्स के बाहर बैठी और वहाँ बैठ के इनको पकड़ के फिर 2 कपड़े जाके, 2-3 कपड़े मैंने पहले लिए और 2-3-4 कपड़े इनके पहले ले लिए थे। सो अब फिलहाल पहुँच जाएंगे। और मुझे एक इंसिडेंट याद आ गया जब हम लास्ट टाइम गोवा गए थे, और ना ये मुझे अभी थोड़ी देर पहले क्या बोल रहा है कि कमला नगर कल गई थी तो बच्चों को लेके गई थी, दिन का टाइम गर्मी नहीं लगी होगी। मैंने उसको बोला यार तू गोवा जा रहा है तो वहाँ पे भी तो गर्मी है।
गोवा गैस गोवा और कमला नगर में फर्क नहीं है, कमला नगर मतलब कंजेस्टेड, गोवा बिल्कुल ओपन 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 ओपन, पर वहाँ भी गर्मी लगती है। और पता है लास्ट टाइम क्या हुआ था मेरे साथ ना, मेरे को स्टोन था किडनी पे और ना वो यूरिन पाइप में आके अटक गया। अब ये लोग, अब हम पहली बार जिंदगी में गोवा गए, मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए गोवा जाना बहुत सोचना पड़ता है। कई सालों तक वो प्लान करता है कि हम गोवा जाएंगे, फिर पैसे जमा करते हैं, फिर फ्लाइट की टिकटें बुक करते हैं और फिर बजट बनाते हैं। तो सेम हमारे साथ भी ऐसा ही था भाई, उतने पैसे थे नहीं, कैसे कैसे करके बजट बनाए और गोवा पहुंचे। और वहां जाने के बाद ना मेरे यूरिन पाइप में ना स्टोन अटक गया, और वो स्टोन ना यूरिन पाइप में अटक गया और उसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रही थी और इतना गंदे वाला पेन हो रहा था, लाइक अ डिलीवरी वाला पेन, रह रह के स्टोन ना अड़ रहा था और बार बार उसकी इरिटेशन की वजह से मुझे वॉशरूम जाना पड़ रहा था। तो बीच का डिस्टेंस और वॉशरूम का डिस्टेंस काफी ज्यादा गैप था, तो यहाँ से वॉशरूम तक उठ के जाना और जब वॉशरूम जाओ तो आपको कुछ आएगा ही नहीं और इतनी ज्यादा इरिटेशन। पहले तो मैंने इनको बताया नहीं एक दिन, फिर जब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ बताया तो बोले हॉस्पिटल लेके चल लेते हैं। तो मैंने कहा यार कहाँ हॉस्पिटल लेके जाओगे, फिर मैंने कहा चलो आज आज रुक जाते हैं, अगर आज नहीं हुआ ना तो कल जाएंगे। शायद ये ना वही लोग समझ सकते हैं जिनको कभी स्टोन हुआ होगा, या खैर भगवान ना करे कभी किसी को ऐसा हो, पर स्टोन का पेन बहुत ज़्यादा गंदा होता है। फिर नेक्स्ट डे पूरी रात मुझे नींद नहीं आई, मतलब सेम नाइट मुझे पूरी रात नींद नहीं आई और फिर सुबह 3:30-4 बजे उठ के ये लोग सो रहे थे। मैंने 3-3.5 लीटर पानी खाली पेट पी लिया, उसकी वजह से ना वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ा और स्टोन रिमूव हो गया और इतना मोटा स्टोन था। वैसे तो मेरी एक ओपन सर्जरी भी हो रखी है जब मैं अनमैरिड थी स्टोन की, पर ओपन सर्जरी होने के बाद ऐसा नहीं होता कि स्टोन नहीं होगा, अगर आपका स्टोन किडनी पर है तो वो बार 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 बनते रहेंगे। और गोवा से आने के बाद भी कम से कम मेरे 4 बार स्टोन अपने आप से रिमूव हो गए हैं और अभी भी मुझे स्टोन है। तो अब खैर मैं कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रही हूँ इसके लिए, हाँ बट मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अब जब भी मुझे एक टेक्निक पता लग गई है इसकी कि जब भी मेरा स्टोन ऐसे अड़ता है या निकलने वाला होता है तो मैं 3 नारियल पानी इकट्ठे पी लेती हूँ और उससे ना इमीडिएट रिमूव हो जाता है। मतलब ये प्रैक्टिकल मेरे साथ होता है अब, क्योंकि स्टोन बनने का ना एक जो प्रोसेस है ना वो वापस दोबारा हो जाता है। काफ़ी सारे लोगों ने बोला, इनफैक्ट काफ़ी डॉक्टर ने बोला कि आपने स्टोन लेबोरेटरी में भेजो और इसका चेकअप होगा स्टोन का कि ये किस रीज़न की वजह से बनता है। भेजा भी, रीज़न वीज़न कुछ खास मुझे समझ नहीं आए, इसलिए चल रहे जैसे चल रहे। तो ये विजयनगर बिल्कुल कमला नगर एकदम टच के एन डी यू के, तो यहाँ पर आपको सारा वो स्टूडेंट क्राउड मिलेगा और स्टूडेंट वाली चीज़ें अच्छी मिल जाएंगी, रेंज भी नॉर्मल होगी, खाने पीने में भी बहुत लो रेंज में आपको सब कुछ मिल जाएगा और कैफे तो एकदम मस्त मस्त बने हुए हैं यहाँ पर। फाइनली ऐसे 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 करके 3 चक्कर मारने के बाद ना पार्किंग मिली है, पेड़ पार्किंग तो फुल है ही है, जुगाड़ वाली भी जगह नहीं मिल पा रही कोई, तो अभी एक गाड़ी यहाँ से जस्ट निकली, यहीं पार्क कर दी और यहीं पर ही सामने मैक्स है और वो गन्ने का जूस वाला भैया खड़ा है, कल इसी से पिया था और फिलहाल अब गन्ने का जूस पी लेते हैं और पहले चेंज ही करा लेते हैं, है ना, मैक्स चल लेते हैं पहले, फिर उसके बाद मार्केट का चक्कर मार लेंगे। कुछ लेना है क्या तुमको? हाँ बिल्कुल लेना है। क्या मैं लूंगा? 3 जीन्स, 4 टी-शर्ट, 4 शॉर्ट। तू ही लेने पड़ेगा, बहुत कंजूस है, बहुत कंजूस है, दुकान पे जाने से पहले। एक्चुअली सुबह हमने ना अपनी अलमीरा लगाई थी, उसमें कम से कम भी 10-12 टी-शर्ट्स ऐसी हैं जो आज तक मैंने यूज ही नहीं की, तो उनका टाइम आ गया बाहर निकलने का और नहीं लेने का, नहीं लेने का वो वाली ही यूज करने का। एक्चुअली मार्केट में भीड़ होने की वजह से ना बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रही थी, मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि हम कुछ खरीद पाएंगे, तो मैंने बोला भैया घर चलते हैं। एज यूजल जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो भूख लग जाती है, तो अभी ये गई है चाउमीन पैक कराने, क्योंकि चाउमीन बच्चे बहुत ढंग से खाते हैं। ये चाउमीन अच्छी है, ये वेजिटेबल ज़्यादा डालता है और चाउमीन कम डालता है। क्या प्रॉब्लम हुई है आपकी टी शर्ट पे? क्या लिखा हुआ है? टॉमी। और इसलिए हंस रहा है, ये मजाक उड़ा रहा है? ये नहीं अच्छी लगती चाउमीन? तो आपने मुझे फोन करके क्यों नहीं बताया? पटाटो भी रखे हमारे घर, चिली भी रखी है, चिली पटाटो भी बना देते, चिली खा ले, एक पटाटो खा ले, बन गया चिली पटाटो। अरे यार मैंने तेरे को बनाए थे ना तेरे चिली पटाटो, अभी लेके आ रहा है, अभी अभी बनाओ चिली पटाटो लिया। हाय राम, इसको चिली पटाटो खा ले, चिली पटाटो मोटा हो गया, इनकी चॉइस सीधे खत्म नहीं होती, कभी ये खा ले कभी वो खा ले। मम्मी पटाटो लिया, शाम को अभी नहीं लाऊंगा, अभी लाओ, टिकट मिलेगी।
हाँ इस पैसे से टिकट बनेगी। और ये निकाले कहाँ से आपने? वापिस रख दो। हाँ मैं दिला दूंगी, पैसे वापस रखो और जिप लगा दो। क्या हुआ, ये मसल्स बन गए आपके? दिखाओ, ये गट्टू अपने मसल्स दिखा रहे, बहुत मोटे हो गए आपके तो। 32 इंच का डोला। इसको भी ठूके दिखाओ। किसको? ओहो, इतनी बॉडी कहाँ से बनाई आपने? मैं तो एक्सरसाइज करता हूँ। इसके भी मोटे हो गए, दोनों के मोटे हो गए। अब इसको सही करो।